नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे फ्यूजन ग्रुप के प्रोजेक्ट द रिव्यूलेट के बारे में, जो कि लोकेटेड है नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 12 में, और साथ ही देखेंगे 3 BHK सैम्पल फ्लैट की वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग नोएडा एक्सटेंशन में एंट्री कर रहे हैं। सामने एक गौर चौक है, जो आपको लेफ्ट में बिल्डिंग दिख रही है, गौर सिटी सेंटर प्रोजेक्ट है, जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। यहाँ से आपको लाइन में काफ़ी सारे कमर्शियल्स मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग नोएडा की तरफ से आ रहे हैं, जिस तरफ से हम लोग चल रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट आपको गौर चौक से स्ट्रेट 5 किलोमीटर चलना होता है लेफ्ट हैंड पे। ये बिल्कुल मेन रोड का प्रोजेक्ट है, तो ये बेसिकली गौर चौक हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं स्ट्रेट, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो गौर चौक से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप गाजियाबाद की तरफ कनेक्ट हो जाते हैं, NH24 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ कनेक्ट हो जाते हैं। और गौर चौक से अगर आप राइट लेते हैं तो आप परी चौक, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ निकल जाते हैं। और लेफ्ट हैंड पर जो भी आप कमर्शियल देख रहे हैं, सभी रेडी टू मूव इन है। जैसे गौर सिटी मॉल बिल्कुल ऑपरेशनल है, इसके आगे डायमंड प्लाजा है जो कि ऑपरेशनल है, इसके अलावा गैलेक्सी का एक ब्लू सफायर प्लाजा है, वो भी ऑपरेशनल है। और एक समय पर जब यहाँ पर सभी कमर्शियल ऑपरेशनल हो जाएंगे तो ये काफ़ी प्रीमियम एरिया होगा। फिलहाल अभी हम लोग अपने प्रोजेक्ट पर वापस आते हैं, मैं कभी डिटेल में पूरे नोएडा एक्सटेंशन के सभी कमर्शियल को कवर करूंगा। तो प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। तो फ्यूजन ग्रुप के नोएडा एक्सटेंशन में ही 3 प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट होता है फ्रेंच अपार्टमेंट, जो कि डिलीवर्ड है। दूसरा प्रोजेक्ट होता है फ्यूजन होम, जो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, ये भी डिलीवर्ड है। इसके अलावा तीसरा प्रोजेक्ट होता है यूफेरिया, जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो सामने जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, यही प्रोजेक्ट है इनका यूफेरिया, जिसका OC रिसीव्ड हो चुका है, तो ये भी ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। तो फिलहाल करंट में अभी इनका एक यही प्रोजेक्ट चल रहा है, द ब्रुक एंड रिव्यूलेट के नाम से, जो कि फेज 1 और फेज 2 की तरह बनाया जा रहा है, जिसमें मैंने द ब्रुक को पहले काफ़ी डिटेल में कवर किया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक क्विक ओवर भी दे देता हूँ द ब्रुक के बारे में भी। तो टोटल ये 12.5 एकड़ की लैंड है, जिसमें से ब्रुक की बात करें तो टोटल ये 5 एकड़ में है, जिसमें आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट्स मिल जाते थे। वहाँ पर अभी टावर A, B और C को ओपन किया गया था, जिसमें टावर ए में आपको 2000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट, टावर बी में आपको 1115 और 1240 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट, और टावर सी में आपको 3 साइजेस मिलते थे, 1200, 1240 और 1535 स्क्वायर फीट। तो ब्रुक में आपको टोटल 5 एकड़ में 7 टावर्स मिल जाते थे। टोटल यहाँ पर आपको 850 यूनिट्स मिलती थी। अब बात करते हैं द रिव्यूलेट की, जो कि अभी न्यूली लॉन्च है। ये 7.5 एकड़ की लैंड है। तो बेसिकली इस पार्ट का रेरा नंबर अभी ऑब्टेन किया है और इसको अभी रिसेंटली ओपन किया है सेल के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ यूनिट्स मिल जाती हैं। जैसे मैं बात करूँ द ब्रुक फेस की, तो वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, वहाँ पर आपको इन्वेंट्री नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको कुछ इन्वेंट्री मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं साइजेस की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको सबसे छोटा साइज मिलता है 1350 स्क्वायर फीट, जो कि 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम का फ्लैट होता है। सेकेंड साइज आपको मिलता है 1545 स्क्वायर फीट, जो कि 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम का फ्लैट होता है। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ा साइज मिलता है 4 BHK, इसका साइज होता है 2010 स्क्वायर फीट। तो इस फेस में आपको टोटल 10 टावर्स मिलेंगे। ये टोटल 7.5 एकड़ का पैच, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको टोटल 1250 यूनिट्स मिलेंगी। फिलहाल अभी 816 यूनिट्स को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर अभी जो टावर्स खोले हैं, टावर S, टावर T, टावर M, तो इन 3 टावर्स को खोला गया है, जिसमें आपको ये तीनों ही साइजेस मिलते हैं, 1350, 1545, 2010 स्क्वायर फीट। और बात करें एमिनिटीज़ की, तो यहाँ पर आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पर आपको 30,000 स्क्वायर फीट का एक लेविस लग्जूरियस क्लब हाउस मिलता है, जिसके साथ आपको स्विमिंग पूल, जकूजी, स्टीम, सोना, गेस्ट रूम, और आपको काफ़ी सारे इंडोर गेम्स भी मिल जाते हैं, लाइक बिलियर्ड, टेबल टेनिस, कार्ड रूम। तो इस तरह की आपको फैसिलिटीज़ इस सोसाइटी में मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक यूनिक टेरेस गार्डन का भी कॉन्सेप्ट मिलता है। तो यहाँ पर आपको टॉप फ्लोर पर भी काफ़ी सारी एमिनिटीज़ मिल जाती हैं, लाइक वर्टिकल गार्डन, योगा लॉन एंड गजीबो, साथ ही आपको एक मिनी गोल्फ कोर्स भी मिल जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं राजेश पायलट चौक पर। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया बता देता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पर है। तो ये राजेश पायलट चौक है और गौर चौक से हम लोग अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको हार्डली 500 मीटर और चलना होता है आगे सर्विस रोड पर ही, और लेफ्ट हैंड पर हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है द ब्रुक और रिव्यूलेट। तो अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली है। अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप निश्चित ही नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, हमारी टीम आपको सारी डिटेल शेयर करेगी। तो चलिए अब चलते हैं सीधा सैंपल फ्लैट पर और देखते हैं सैंपल फ्लैट की वीडियो। तो चलिए अब चलते हैं।